बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है गाइस? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे। मेरा नाम है कुणाल, मैं हूं शिवानी। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। कपल। आज की वीडियो क्या है? वेरी इमोशनल बयां ऑफ जुनेद जमशेद, व्हाई वी कम हियर। ओके, और ये वीडियो हमने ली है आई वीटो चैनल से, तो आप आई वीटो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। इनके चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कल क़यामत के दिन आके मुझे नहीं कहना या अल्लाह मुझे नहीं पता था सिया क्या और सफेद क्या है। तो सबसे जरूरी बात वो ये कि जो समझने की है वो ये कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हम इस दुनिया के अंदर आए हैं एक शानदार आखरत बनाने के लिए। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? एक शानदार आखरत बनाने के लिए। जो इस नियत से दुनिया में जिंदगी गुजारता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया उसकी खुद बनाते हैं। इंसान अपनी मेहनत से अपनी दुनिया नहीं बना सकता। इंसान अपनी मेहनत से अपनी दुनिया नहीं बना सकता। वो अपने आप को नहीं बना सकता तो बाकी दुनिया क्या बनाएगा? ठीक है, मैं चाहूं कि मैं मेरी जवानी कभी बुढ़ापे की तरफ ना जाए, ये हो नहीं सकता। मेरा अपने ऊपर तो जोर चलता नहीं है, ना मैं अपनी मर्जी से आया, ना अपनी मर्जी से रह रहा हूं और ना अपनी मर्जी से दुनिया से जाऊंगा। ये कैसी दुनिया है कि इसकी कोई भी चीज मेरे काबू में नहीं है। आप यहां रहते हैं, मैं कराची में रहता हूं, कोई लाहौर में रहता है, कोई पिंडी में रहता है, और आपको पता है कि यहां आप अपनी मर्जी से नहीं आए हुए। ये भी बड़ी अजीब बात है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं पांच चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जो इसके बारे में जो बात कर रहा है सब गलत कर रहा है। पांच चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले अल्लाह कहते हैं सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता क़यामत कब आएगी। वयुनज़्ज़िलुल ग़ैस, बारिश ने कब कहाँ और कितना बरसना है कोई नहीं जानता। रिज़्क किसके पास कितना पहुंचेगा अल्लाह फरमाते हैं कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं जानता हूँ। वयालमु मा फिल अरहाम, माँ के रहम में ये तो मालूम कर लेते हैं कि बेटा है या बेटी है, लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं ये नहीं मालूम कर सकते कितना जिएगा, कितना कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, नेक होगा, बद होगा, फरमा बरदार होगा, नाफरमान होगा, अल्लाह फरमाते कोई नहीं जानता। फिर अल्लाह फरमा रहे वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नफ्स ये नहीं जानता, इंसानों को छोड़ो कीड़े मकौड़े भी ये नहीं जानते कि कल उनको उनका रिज्क कहाँ से मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि आज मैं खाना यहाँ बैठ के खाऊंगा, कोई आइडिया नहीं, अल्लाह कहते कोई नहीं जानता। फिर अल्लाह कह रहे हैं पांचवीं चीज वमा तदरी नफ्सुम बि अय्यि अर्दिन तमूत, किसी नफ्स को नहीं पता कि उसको मौत कब आएगी और कहां आएगी। वमा तदरी नफ्सुम बि अय्यि अर्दिन तमूत, किसी नफ्स को नहीं पता उसको उसकी मौत कल कहां आएगी। ये पांच चीजें कोई नहीं जानता। अब इन पांचों चीजों का बराह रास्त हमारी जिंदगी से ताल्लुक है। तो फिर ये कैसी जिंदगी है, ये कैसी दुनिया है जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया का बनना बिगड़ना ये इंसान के हाथ में नहीं रखा, ये इंसान के हाथ में नहीं रखा। और इख्तियार कितना दिया? हम कहते हैं ना भाई इंसान को इख्तियार है, भाई इख्तियार कितना दिया? इख्तियार इतना दिया, किसी ने हजरत अली करम अल्लाह वजू से पूछा कि हजरत ये मेरे पास दुनिया में कितना इख्तियार है? कहा एक टांग उठाओ अपनी। तो उसने अपनी एक टांग उठा ली। कहा जी दूसरी उठाओ। कहा जी वो नहीं उठा सकता। कहा बस इतना इख्तियार है तेरे पास, इंसान के पास इतना इख्तियार है। और जो इख्तियार है वो क्या है ये जानना बड़ा जरूरी है। इंसान के पास क्या इख्तियार है? अल्लाह ने इंसान वो वाहिद मखलूक है पूरी कायनात में जो अपनी जान के इस्तेमाल को भी जानती है और चीजों के इस्तेमाल को भी जानती है। इंसान के अलावा और किसी मखलूक को ये नहीं पता कि मैंने अपनी जान को कैसे इस्तेमाल करना है और चीजों को कैसे इस्तेमाल करना है। घोड़े को नहीं पता कि मैंने अपने आप को किस काम में लगाना है और मैंने बकरी का क्या इस्तेमाल करना है। बकरी को नहीं पता कि मैं किस काम के लिए दुनिया में आई हूं। उसको कोई आइडिया नहीं है कि बिल्ली का मैंने क्या इस्तेमाल करना है। ठीक है, इंसान वो वाहिद मखलूक है जो जिसको अल्लाह ने ये शऊर दिया। फअल्हमहा फुजूरहा वतक्वाहा, उफ़ो मेरे दोस्तों ये वो आयत है। वनफ्सि वमा सव्वाहा, अच्छा चल किसी की कसम नहीं मानता तो मेरे बंदे मुझे तेरी जान की कसम। फअल्हमहा फुजूरहा वतक्वाहा, कल क़यामत के दिन आके मुझे नहीं कहना या अल्लाह मुझे नहीं पता था सिया क्या और सफेद क्या है, मुझे नहीं कहना कल ये क़यामत के दिन, क्योंकि
क्योंकि फअलहमहा, इल्हाम किया है मैंने तुझे, इल्हाम किया है, अच्छाई और बुराई का फर्क मैंने तेरे अंदर डाला है और ये डाल के तुझे दुनिया में भेज दिया है। जैसे कोई भी माशरा हो उसमें सच अच्छा समझा जाता है, झूठ बुरा समझा जाता है, चाहे वो मुसलमानों का माशरा हो चाहे गैर मुसलमों का हो। बेईमानी हर माशरे में बुरी समझी जाती है, ईमानदारी हर माशरे में पसंद की जाती है। रासतबाजी, सच्चाई, बींग अपराइट, ये हर माशरे में पसंद किया जाता है, और जुल्म हर माशरे में बुरा समझा जाता है। जस्टिस हर माशरे में अच्छा समझा जाता है, कत्ल हर माशरे में बुरा समझा जाता है। तो अल्लाह पाक फरमा रहे, ये चीजें दे के मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा है, मैंने तुम्हें तुम्हारी जान का इस्तेमाल बता दिया, चीजों का इस्तेमाल भी सिखा दिया। तो या अल्लाह, मैंने जान का क्या इस्तेमाल करना है, मैंने जान का क्या इस्तेमाल करना है? तो अल्लाह पाक फरमा रहे, कद अफलाह मन ज़क्काहा, तूने अपनी जान का तज़किया करना है तो तू कामयाब हो जाएगा। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और अगर अपने नफ्स को तूने खुला छोड़ दिया तो बर्बाद हो जाएगा। अब नफ्स का तज़किया क्या है? नफ्स को हर उस चीज से रोकना जिसको अल्लाह ने मना किया है, ये नफ्स का तज़किया है। सामने ना मेरा मौरत है, अब नहीं देख सकते उसको। हाँ, वो सामने से आई, नजरें झुका ली, अब नजरें झुका ली उसी लम्हे पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। और अल्लाह ईमान की वो हलावत देते हैं जो आप नमाज में महसूस करेंगे। फिर आप नहीं कहेंगे कि जी मैं नमाज पढ़ता हूं, मेरा तो ध्यान उधर निकल जाता है। फिर आप नहीं कहेंगे। कान को हर वो चीज सुनने से रोकना जिसको अल्लाह ने मना किया, हर उस चीज को सुनना जिसका हुक्म दिया। हाथ को हर उस जगह इस्तेमाल करना जिसका हुक्म, हर उस चीज से रोकना जिससे मना किया। तो नफ्स का तज़किया, अल्लाह फरमा रहे हैं, जब तुम देख देख कर मेरी रियायत रख के जिंदगी गुजारोगे तो तुम इस दुनिया में कामयाब हो जाओगे। और तुम्हें कामयाब कौन करेगा? हम करेंगे, तुम खुद कामयाब नहीं हो सकते, से मना किया। तो नफ्स का तज़किया, अल्लाह फरमा रहे हैं, जब तुम देख देख कर मेरी रियायत रख के जिंदगी गुजारोगे तो तुम इस दुनिया में कामयाब हो जाओगे। और तुम्हें कामयाब कौन करेगा? हम करेंगे, तुम खुद कामयाब नहीं हो सकते। हाँ जी, बहुत बहुत ही अच्छा बयान था, बहुत सही बताया बिल्कुल। मतलब इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी कुछ तरक्की कर जाए, साइंस में कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी बहुत ऊपर तक पहुंच जाए, अंतरिक्ष तक पहुंच जाए, ज़मीनों की गहराइयों तक पहुंच जाए, उसके बाद भी उसे ये नहीं पता होता कि अगले दिन मेरे साथ क्या होगा, ये नहीं पता होता। मतलब हमारे में इतनी क्या कह सकते हैं, क्या वर्ड होता है वो, सलाहियत करके वर्ड होता है, एक सलाहियत नहीं हो है कि हम कल के बारे में जान जाए। मतलब ये सिर्फ अल्लाह को ही पता है कि हमारा पास क्या था, हमारा प्रेजेंट क्या है, हमारा फ्यूचर क्या था। ऐसे भी होता ना, इंसान काफ़ी जब में ऐसा होता है कि किससे बात कर रहा हो तो अपना पास छुपा देता है, किसी को पता नहीं होता ये वो, तो अल्लाह को सब पता है, आपका पास भी पता है, प्रेजेंट पता है, जो आपके साथ होने वाला है वो भी पता है। हाँ, मतलब जो कुछ भी आप ले लो, छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़, वो हर एक अल्लाह के हक में है। मतलब उनके हुक्म के बिना कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह से एक पत्ता भी अगर गिरे तो उसकी भी जानकारी सिर्फ अल्लाह को ही होती है। अब हम यहाँ पे बैठे हैं, बाहर क्या हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन अल्लाह को सब पता है। इस तरह से ही जुनैद जमशेद जी ने बताया कि आपका रोम रोम उनके हुक्म से चलता है। ऐसा नहीं कि हम अब कुछ देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से जिस तरह से बताया कि अगर हम अभी ये चीज़ देख रहे हैं या चीज़ कर पा रहे हैं तो ये भी उन्हीं के हुक्म से हो रही है चीज़ें। और बताया कि इंसान जैसे बहुत सारे मखलूक हैं, जानवर हो गए, कोई भी जीव हो गए, ऐसे जीव हैं जो सांस लेते हैं, तो उनको भी इस चीज़ का पता नहीं होता है कि अगले पल क्या होने वाला है। और इंसान को भी नहीं पता होता कि अगले पल क्या होगा, दो मिनट बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, कुछ नहीं पता। सिर्फ उसको अपना पास्ट पता होता है, वो भी खुद से क्रिएट नहीं किया होता उसने, अपनी समझदारी से नहीं, वो अपने आप ही होता चला जा रहा है। किसी को कुछ नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना, और जो बीत भी गया वो भी आपका खुद का बनाया हुआ नहीं था।
मतलब अल्लाह ने इंसान को इतना बेहतर बनाया है बाकी जीवों के अकॉर्डिंग कि इंसान को पता कि उसने अपनी लाइफ कैसे जीनी है और दूसरे जीवों को कैसे उनसे काम निकलवाना है या कैसे उनसे काम लेना है। ये सिर्फ टैलेंट कह लो एक तरह से, या ये गिफ्ट कह लो, सिर्फ इंसान के पास में, ये जानवर के पास नहीं है। जानवर खुद, उनको खुद नहीं पता होता उन्होंने क्या करना क्या नहीं करना, वो दूसरों से तो कुछ काम करवा ही नहीं सकते। ये सिर्फ कहानियों में ही सुना होगा हमने कि जंगल में ये हो गया वो हो गया, जंगल का राजा सबको ये सब होता है, तो ये नहीं होता वहाँ कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ इंसानों में होता है। हम ही जानवरों से काम लेते हैं, बिल्कुल, गाय से दूध लेते हैं, बकरी से दूध लेते हैं, हैं, और घोड़ा घोड़े को सामान ले जाना, खच्चर ये भी ये सब। तो जानवरों का हम इस्तेमाल बेहतर कर सकते हैं, जानवर नहीं और भी सब चीजों का, हमने अपनी बनाई हुई चीजों का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते, जैसे कंप्यूटर हो गया, फोन हो गया, प्लस हम नेचुरल जो चीजें जैसे पेट्रोल हो गया, क्योंकि पेट्रोल इंसान का बनाया नहीं है, ऑयल जो होता है इंसान का बनाया नहीं है, ये नेचुरल होता है, तो हमें उसका यूज सीख ले, क्या यूज होता है, आग का क्या यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज होता हो सकता है आग का, हीट का कहाँ यूज हो सकता है, हवा का कहाँ यूज हो सकता है, एसी में, फैन में, इलेक्ट्रिसिटी का कहाँ यूज हो सकता है, चीजें जो नेचुरल है ना, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी तो नेचुरल नहीं है, इंसान ने बनाई हुई है, बट जो नेचुरल चीजें है ना, वहां पर इंसान की सोच अच्छी है, इंसान को पता होता है कहाँ कहाँ क्या हम यूज कर सकते हैं नेचुरल चीजों का भी। बल्कि ये चीजें जानवर को नहीं पता होती हैं, जानवर को ये नहीं पता होता हम क्या करने हैं, हम आगे क्या करना है, कुछ नहीं पता होता हमको, तो हमको ये नहीं पता होता अगले दिन क्या, मतलब हमने खाना कहाँ खाना है। हम तो इंसान, चलो ये अपना थोड़ा फ्यूचर सोच लेते हैं, साल डेढ़ साल दो साल कि भाई खाना पीना का इंतजाम कहाँ से होगा कैसे होगा, तो हम तो सोच के चलते थोड़ा बहुत, तो वो सब तो वो भी नहीं सोचते। बिल्कुल, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें आखिरत का पता है। यस, और जुनेद जमशेद जी ने बताया कि अगर आप आखिरत को सोच करके अपनी लाइफ स्पेंड करोगे ना आखिरत के लिए, तो जो आपकी यहाँ की दुनिया है वो अल्लाह ने अपने आप ही बना दे रही है। ये नहीं कि मतलब हमें यहाँ की टेंशन जिस तरह से हम लोग लेते हैं कि अब ये काम करना है तो हमें ऐसे पैसे कमाने हैं, हमें ये खड़ा करना है, हमें वो खड़ा करना है, हमें ये चीज़ बनानी है, हमें वो चीज़ बनानी है, तो इसके लिए भी उन्होंने बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तरफ रहिए, आखिरत के बारे में सोच करके अपनी लाइफ स्पेंड करिए, तो वो चीज़ें आपकी खुद ब खुद बनती जाएं। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि आप ना दुनियादारी से कट जाएं, ये बिल्कुल नहीं मतलब है इसका कि सिर्फ आप आखिरत के बारे में सोचें या सिर्फ दीन पर पूरा टोटली फोकस हो जाए, नहीं। आजकल की दुनिया में अगर आपको रहना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सुबह उठ के नहा धो के फ्रेश होके आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, या आपको अपना बिजनेस करना पड़ेगा, रात को आना पड़ेगा। तो दुनियादारी में रहने के लिए, इस दुनिया में जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, साथ साथ मेहनत करते करते आप दीन की तरफ भी आप फोकस करो और कयामत के बारे में सोच के वो चीज़ माइंड में लेके, माइंडसेट क्लियर करके आपको रिएक्ट करना है चीज़ों में डेली बेसिस पे, कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है या वो सही है, ये चीज़ आपको खुद जज करनी है। बिल्कुल, आप अपनी फैमिली के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, मदर के साथ कैसा कर रहे हो, बाकी लोगों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, तो ये चीज़ें थोड़ी सोचने लायक है। तो हम इसलिए यहाँ पर हैं, इसलिए आए हैं हम लोग। बिल्कुल, तो अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, ताकि कल को हमारा जब कयामत में जाए तो अच्छा हो, मतलब जन्नत में ही जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़े। यस, पांच चीजें ऐसी हैं जो इंसानों को बिल्कुल नहीं पता कि क्या, यस, उसके बारे में कुछ नहीं जानते, उसमें से एक दो ही याद है मुझे। एक तो वक्त का नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता आगे क्या होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि आज इंसान इतना आगे बढ़ गया टेक्नोलॉजी में, उनको ये पता तो लग गया कि माँ के पेट में बच्चा है, बट उसे ये नहीं पता कि बच्चा मेल है फीमेल है, तो पता लग गया, बट ये नहीं पता कि वो जिएगा कितना टाइम, अपनी एज के बारे में नहीं पता, क्या खाएगा, क्या उसका नेचर होगा, क्या बिहेवियर, बिल्कुल कयामत कब आएगी ये भी नहीं पता किसी को, नहीं पता। हालांकि एक कई भी बात तो वो सच हो गई, उन्होंने वहां लिखा था ना कि जब अरब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, वो पूरे वर्ल्ड में आज अरब ही सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं। अभी दुबई में थी वो बुर्ज खलीफा, हालांकि अभी भी है, बट अब सऊदी में बन रहा है द किंगडम टावर,
उससे और लंबा बन रहा है, तो अरब ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना शुरू कर रहे हैं। तो चलते हैं गाइस, आई वीटो से थी ये वीडियो, आई वीटो। तो आप इनका चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।